फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ स्किन की एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसको इस्तेमाल करने से आप अपने चेहरे की पिगमेंटेशन, कील, मुहासों, दाग, धब्बे, स्किन से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी इसका इस्तेमाल करने से। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके इंग्रेडिएंट उससे भी ज़्यादा आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे कैसे बनाना है। पैक को रेडी करने के लिए आपको यहाँ पे आधा चम्मच वाइल्ड हल्दी लेनी है, कस्तूरी हल्दी लेनी है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं, एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं हल्दी में, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटर करता है, आपकी स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन में एक लस्टर बनाता है। ये आपके स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करती है। इसे किसी भी पैक के साथ, मास्क के साथ जब आप अप्लाई करते हैं तो ये आपके स्किन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से आपके स्किन के कील, मुहासे, दाग, धब्बों को दूर करके आपके चेहरे को चमकदार बनाता है, आपके चेहरे पे रौनक लेके आता है, आपके चेहरे की सफाई कर देता है। एक तरीके से हल्दी आपके चेहरे की सफाई कर देती है। तो आधा चम्मच आपको यहाँ पे कस्तूरी हल्दी लेनी है। चूँकि हम फेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका कोर इंग्रेडिएंट हल्दी है, तो आपको यहाँ पे किचन वाली हल्दी नहीं लेनी है, या फिर अगर आपके पास खड़ी हल्दी है इस तरीके से, ये वाली हल्दी अगर आपके पास है तो ये वाली हल्दी भी आपकी स्किन पे वही फ़ायदा पहुँचाएगी जो कस्तूरी हल्दी पहुँचाती है, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये कच्ची हल्दी को सुखा करके रेडी किया जाता है। ये किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगा और ज़्यादातर लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं इसका। जब घर में पूजा हो रही होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस तरीके से इस हल्दी का इस्तेमाल ना सिर्फ अपने चेहरे पे बल्कि अपने खाने में यानी कुकिंग में दूध के साथ लेकर के, अपने बालों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप मार्केट से, बाज़ार से लेकर के आइए इस तरीके से खड़ी हल्दी और इसे पीस करके रेडी कीजिए, पाउडर बना के रखिए, ख़राब नहीं होती है, और अपने स्किन में इस्तेमाल कीजिए। तो आधा चम्मच हल्दी डालने के बाद आपको इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारी स्किन की फ्रेशनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है, स्किन के दाग धब्बों को दूर करने के लिए भी अच्छा होता है रोज़ वाटर, और हमारी त्वचा को हील करता है, हाइड्रेट करता है, ठंडक पहुंचाता है अंदर से। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपको इसमें डालना है एक चम्मच शहद यानी कि हनी। हनी हमारे चेहरे को डीपली मॉइस्चराइज करती है नेचुरली। कोई भी क्रीम, कोई भी लोशन आपकी स्किन को इतना मॉइस्चराइज नहीं कर सकता जितना हनी करती है। और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज की रहती है, ये आपकी स्किन में नमी बनाए रखती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन का पीएच लेवल गिर रहा है तो उसको भी ये मेंटेन करती है। एक चम्मच आपको शहद लेना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है इनके साथ। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पैक को आपको अपने पूरे चेहरे में, नेक एरिया में अच्छे से लगाना है और इसे बिल्कुल ड्राई होने के लिए छोड़ना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसे वॉश कर लेना है और इसे रेगुलर इस्तेमाल करना है। इसका जो ड्यूरेशन टाइम है ये आपको रेगुलर इस्तेमाल करना है, एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। तो बस ये तीन चीज़ें, बहुत ही आसान सी चीज़ें जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल हैं, और आप उससे अपने चेहरे की रौनक को दोबारा ला सकते हैं, अपने चेहरे के दाग धब्बों को, झाइयों को, मुहासों को, कील को, एक्ने
चेहरे की जो भी समस्याएं हैं जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं उनको आप पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके, बिल्कुल नेचुरल। इस पैक को आपको बना करके नहीं रखना है। अगर आप इसे डेली इस्तेमाल कर रही हैं तो आप इसे डेली बनाएं। अगर आप इसे डेली दो टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं यानी मॉर्निंग में और रात में भी, तो आप इसे एक टाइम जब मॉर्निंग में बनाएंगे तो वही आप थोड़ा सा बढ़ा लें और रात में भी इस्तेमाल कर लें, फिर नेक्स्ट डे के लिए फिर से नया बनाएं। बना करके रखा हुआ आपको 7 दिन तक इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी इस पैक को आपको बनाना है, फ्रेश बनाना है और फ्रेश इस्तेमाल करना है, और अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करके वॉश करके इसके बाद ही आपको इसका एप्लीकेशन करना है। आशा करती हूँ आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।